हो भाई, करनाली यहाँ पे सारे नंबर ले गया भाई। मतलब देखो भाई, करनाली मैंने बोला था, मानते हो? पर भाई को अकेला भाई खड़ा हुआ था जब ये करनाली के ऊपर बात कर रहा हूं। जैसे ही ये ऑक्शन हुआ था तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था ये सबसे सस्ती टीम है, सबसे मतलब अगर देखा जाए सबसे महंगी तरीन टीम पोखरा रही, और सबसे सस्ती टीम अगर इन टर्म्स ऑफ मनी अगर आप देखो तो करनाली है। बट मैंने बोला देखो वो लग रहे सस्ते हैं, काम बड़े कर जाएंगे। तो खैर फाइनली एक इंडियन प्लेयर नेपाल में आ रहा है और शेखर धवन को लिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि भाई वो थप्पे स्टुअर्ट ब्री टाइप नहीं, ये शेखर धवन रिसेंटली अभी रिटायर्ड है बट इतना पुराना नहीं है और एक अच्छा परफॉर्मर है। आपको याद होगा टॉप थ्री के अंदर आते थे ये विराट, रोहित और ये धवन, ये टॉप थ्री था इनका, और ये टॉप थ्री बड़ा तगड़ा होता था। ये बहुत सारे मैचेस ये टॉप थ्री ही इंडिया को जिता देता था, और मुझे याद है बहुत अच्छा प्लेयर है। देखो मैं फजूल में किसी चीज पे क्रिटिसाइज नहीं करता, आपको पता होगा। अच्छी साइन है और अच्छी साइनिंग की है। लोग ये पूछेंगे कि भाई इसको कितने में उठा लिया, क्योंकि डिमांड जो आई थी इनके मैनेजर से, लोगों ने न्यूज ब्रेक की थी, इनके मैनेजर ने मांगे थे क्या नाम है, 3 करोड़। अगर 3 करोड़ में लिया है तो आई थिंक वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्ट किया है बहुत ज्यादा 3 करोड़, क्योंकि 3 करोड़ की तो आपकी मतलब फ्रेंचाइज ही नहीं है ना इतनी महंगी। आपकी फ्रेंचाइज जो है वो तकरीबन आप कोई 1 करोड़ 11 लाख पे हो, ठीक है? 1 करोड़ 11 लाख की आपकी ये पूरी टीम है, तो बनता ही नहीं है इसमें कि 1 करोड़ 11 लाख की टीम 3 करोड़ का प्लेयर बुला ले, ऐसा नहीं। आई थिंक कोई 50-60 लाख के ऊपर कहानी हुई है, 60 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। बट ये मैं आज आज आपको ब्रेक कर रहा हूं, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है धवन बोलेगा मैं कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल हूं, बट कुछ मैचेस खेलेगा या क्या है वो बाद में देखी जाएगी। बट आई थिंक बहुत अच्छी साइन की है करनाली ने, और सारे नंबर करनाली लेके निकल रहा है। पहले इन्होंने गुलशन झा भी अपनी टीम में रख लिया, सोमपाल भी इनके पास है, कैप्टन ब्रिलियंट है सोमपाल। मुझे अगर मैं पूरी 11 निकालू ना, उसमें मैं अगर रोहित के बाद किसी को कैप्टन बोल रहा हूँ बार बार के हटाओ रोहित को हटाओ, तो मैं सोमपाल को ही बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं वेरी आई एम वेरी हैप्पी कि भाई बहुत सारे और कैप्टन भी हमें देखने को मिलेंगे, और भी प्लेयर कैसी करते हैं, बट ये कैप्टनसी मटेरियल है। तो सोमपाल इनके पास है, गुलजन इनके पास है, उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर इन्होंने हुसैन तलत वो उठाया जो अभी नेपाल T20 में नेपाल खेलने आया था, और वहां पे वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का मतलब पता है क्या होता है? जो पूरी सीरीज का प्लेयर ऑफ द, जो पूरी सीरीज में अच्छा परफॉर्म करके गया, तो पूरी मतलब वो जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मर था उस नेपाल T20 के अंदर, वो था हुसैन तलत, और उसको अवार्ड मिला था। तो वो भी करनाली ले गया, गुलशन भी इनके पास, देव खनाल भी इनके पास, सोमपाल भी इनके पास, अब ये शेखर धवन एज ओपनर भी ये ले लिया, और एक और बीस्ट प्लेयर विकेट कीपर बैटर चैडविक बोल्टन, ये वॉल्टन भी इन्होंने ले लिया, और ऊपर से जर्सी, जर्सी भी बड़ी खूबसूरत बेहतरीन जर्सी, जर्सी भी बड़ी बेहतरीन है, थोड़ी लाइटिश कलर है, ब्लूइश में है, ब्लू कलर है, थोड़े ग्रेडियंट शेड दिए हैं। बट मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था कि भाई पुखारा, और आपने एक वीडियो देखी कि पुखारा के कैप्टन भुरटिल और सोमपाल साथ खड़े हुए, बट आपने जर्सी में सिमिलैरिटीज देखी होंगी, तो कलर इतना सिमिलर ना करो। बट खैर तो जर्सी भी बेहतरीन। उसके बाद आप ये देखो कि सॉन्ग सबसे बेस्ट एंथम अगर मैं बोलूं तो अभी तक तो मुझे इन्हीं का लगा है। 3 सुन लिए मैंने अभी तक, मैंने सुदूर पश्चिम का सुन लिया, पोखारा का मैंने सुन लिया, खतमंडू का, पोखारा का शायद आया नहीं आया, नहीं पोखारा का नहीं सुना मैंने, खतमंडू का सुन लिया, और मैंने ये करनाली का सुन लिया। तो 3 में से अगर मैं सबसे बेस्ट बोलूं जिस पर वाइब आ रही है, वो मेरा भाई ये करनाली। तो करनाली नंबर ले गए भाई, बट मुझसे ये सवालात देख भाई, क्या कह रहे हैं आप लोगों को, क्या कह रहे हैं? और लोग ये बोलेंगे कि भाई अभी धवन कंफर्म नहीं हुआ, एनपीएल ने ब्रेक नहीं किया, वो भाई हमने सारी वो जो ये पजल वजल दिया है ना, हमें पजल दिया और हम लोगों को दिया ये चूज करने के लिए, चूज करने के लिए दिया ना कि भाई बहुत सारा वो क्या होता है गैसेस, गैस करने की जो जितनी भी चीजें दी है उससे साफ पता लग रहा है ये धवन ही है। वो जो सेंचुरी वेंचुरी दिखाई गई है उसमें कुटापा हुआ है, वो पूरा मैच पड़ा हुआ है, वो पूरा मैच पड़ा हुआ है, उसमें ये धवन ही निकल के आ रहा है, वो धवन है भाई, धवन के अलावा कोई नहीं है। तो ये शेखर धवन ये मेरे भाई आ गए हैं, और ये अब हमारे पास एनपीएल में खेलेंगे और करनाली से खेलेंगे, और ये बहुत अच्छी साइन है। और मैंने ये देखा कि बांग्लादेश के क्या नाम है बीबीएल वाले,
पोस्ट डाल रहे हैं, उनके ट्रॉलिंग पेज है, वो ये पोस्ट डाल रहे हैं, कह रहे हैं यार नेपाल पहले ही सीजन में शेखर धवन उठा लिया, बॉल्टन उठा लिया, जिमी निशम उठा रहे हैं, गप्टिल वप्टिल ये वो उठा रहे हैं, और अभी ये हम लोग जो है, हम लोग ये श्रीलंका के रिटायर्ड प्लेयर पकड़, तो बांग्लादेश वाले भी ट्रोल कर रहे हैं अपने फ्रेंचाइजेस को कि भाई तुम कौन से प्लेयर ला रहे हो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, नेपाल पहले ही सीजन में धागे खोल रहा है, धवन की बहुत बड़ी साइनिंग है, और कहाँ है वो बच्चे मम्मी डैडी कल तक जो कह रहे थे कि जब मैं बोल रहा था कि ये वाले उथप्पा उथप्पा ने बात की है और रायना सब आएंगे और ये होगा वो होगा, तो लिख रहे थे नीचे मम्मी डैडी बच्चे कि यार क्या नाम है बीसीसीआई अलाउ नहीं करता तो आप झूठ बोल रहे हो, बीसीसीआई अलाउ ही नहीं करता प्लेयर्स को, तो नेपाली प्लेयर इंडियन प्लेयर तो खेल ही नहीं सकते, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, और ये वो, तो मैंने उनको जवाब दिया था उसी वीडियो में कि भाई साहब ये रिटायर्ड प्लेयर है तो बीसीसीआई का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के साथ है कि वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स हैं सिर्फ वो नहीं जा सकते बाहर, उसके अलावा हर बंदा जा सकता है, तो लिख रहे थे नहीं 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 आप झूठ बोल रहे हो, आपको क्या पता, नहीं नहीं इंडिया जो है वो सारे प्लेयर को बैन है और सारे प्लेयर ही नहीं खेल सकते, तो उनके मुंह पे तमाचा और मुक्का चमाट पड़ा है, देख लो ये धवन मेरा भाई आ गया, ये अभी कुछ जुमा जुमा 8 दिन दो अभी कुछ 1.5 साल पहले ये ओडीआई टीम में खेल रहा था इनकी, और जा जाके टूर्स कर रहा था, कैप्टन बना हुआ था, बट इसको भी गलत, देखो इंडिया गलत कर रहा है अपने स्टार्स के साथ, अभी आप देखो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के धवन को बाहर कर दिया, धवन को ना सही से फेयरवेल दिया आई गेस, वो एक टॉप बैटर था इनका एक टाइम पे, मुझे पता है भाई बहुत सारे मैचेस उसने इंडिया के लिए स्टार्ट ओपनिंग की है और बड़े मैचेस जिताए भी, ये तीन का बहुत तगड़ा पेयर होता था रोहित विराट और इसका, तो इन्होंने ये धवन के साथ भी गलत किया, अब ये वही हरकतें विराट और रोहित के साथ हो रही है, क्योंकि मसला ये कि इंडिया के जो प्लेयर है ना वो रिटायर नहीं होते जल्दी, अब आप देखो धवन साहब ने भी एंड लगा दिया, तो जब इतना एंड लगा दिया परफॉर्मेंस इतनी माटी हो गई, फॉर्म इतनी घटिया हो गई, तो फिर इंडिया ने बोला लात मार के बाहर किए, अब वही हरकतें देखो विराट का बैट पैच इतना लंबा हो गया, रोहित से नहीं हो रहा, तो अब वो घर में भी सीरीज हार रहे हैं, तो अब इतना हार दिए हैं कि अब वो लोग उनको भगाने की कर रहे हैं, तो अब वो भगा रहे हैं तो फिर वो ऐसे भाग रहे हैं कि वो अपनी पीक पे नहीं छोड़ रहे, ये आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इनके प्लेयर्स के सीखा करो, पीक पे छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़ते, इस वजह से फिर लोग बोलते हैं यार इनको फेयरवेल नहीं मिली, भाई फेयरवेल क्या मिले, आपने इतना अपना करियर ही पूरा एंड कर दिया आपकी फॉर्म, अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि धवन की पुरानी इनिंग्स निकाल के मुझे दिखा रहे हैं धवन ये कर देगा धवन वो कर देगा, भाई वो उसने पहले किया था, अब ये हो चुका है रिटायर, अब उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो चुके हैं, अब इसकी वो कैपेबिलिटीज जो है ना वो स्लो हो चुकी है, अब ये फील्ड में उतना तेज भाग भी नहीं सकता, इसकी फिटनेस भी अब माठी हो चुकी है, उसके बाद रिफ्लेक्सेस स्लो हो चुके हैं, तो अब वो वाला धवन आपको नहीं दिखेगा जो आप मुझसे पुराना एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये याद रखना, बट खैर ये अच्छी चीज मुझे इसलिए लगी है कि ये आई बॉल्स लेके आएंगे, ये धवन साहब को करनाली जो लेके आए हैं ना, धवन साहब को लेके इसलिए आए कि इंडियन वॉचिंग आएगी, अब इंडियन वॉचिंग आएगी, इंडिया में दिखाया जाएगा एनपीएल, और इंडिया के फैंस धवन के फैंस देखेंगे एनपीएल, तो ये गेम कर रहा है, करनाली को सब पता है भाई, ये करनाली टीम मुझे पता है, इनके पर्स में पैसा भी बहुत था, इनके पास सब कुछ था, इन्होंने जाया कुछ नहीं किया, इन्होंने देखो आराम से टीम उठाई 1.5 करोड़ के अंदर, उसके बाद जो इनके ऑनर है उसके बाद फिर फ्रेंचाइजेस में इन्होंने कोचेस पकड़े, कैप्टन अच्छा पकड़ा और टीम सेलेक्शन अच्छी की, और अब आप देख लो टीम की सेलेक्शन इतनी बेहतरीन हो रही है, लेकिन फैन फॉलोइंग आप देखो सुदूर पश्चिम की सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने तकरीबन ये इनको भी पीछे कर दिया है, नेपाल के फॉलोअर्स एनपीएल के फॉलोअर्स से ज्यादा उनके फॉलोअर, बट वो टीम नहीं उठा पाए, वैसी फैन फॉलोइंग बहुत हाई है बट उनकी टीम वैसी नहीं बन पा रही है, खैर उस पर भी मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा, वो भी मैंने वीडियो बनाई भी है, वो भी पोस्ट करूंगा जल्दी, जो भी सुदूर पश्चिम के फैंस हैं वो बड़ा एक्साइटेड है और वेट कर रहे हैं उनके सॉन्ग के लिए कि भाई इसका क्या रिएक्शन है, और जर्जी पे भी बात चाह रहे हैं कि भाई इस पे भी कुछ बात कीजिए, तो वो भी मैंने बना दिया, वो मैं पोस्ट करूंगा, बट उससे पहले खैर बिग साइनिंग हो चुकी है और धवन विल प्ले फॉर करनाली इन एनपीएल, और नेपाल आ रहा है भाई वो, और मैं इसीलिए कह रहा था इंडियन प्लेयर्स बुलाओ क्योंकि खर्चा बचता है ना, टेंशन नहीं है ना, आराम से आ जाते हैं, वीजा फीजा की टेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि इनको भी पकड़ो, खैर आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी एक्साइटेड कि यार ये प्लेयर्स उठा रहे हैं तो अच्छे उठा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं बार बार, उनको भी जवाब दे ही दूं इसी वीडियो में, बाद अगली वीडियो क्या ही बनाए, तो वो ये कह रहे हैं यार ये रिटायर्ड प्लेयर, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं यार ये रिटायर्ड प्लेयर को उठा रहा है एनपीएल, बड़े बड़े उठाए और ये वो, तो भाई मैं आपको बता दूं ये रिटायर्ड प्लेयर इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये आईसीसी ने हमारे साथ भेदभाव किया, आईसीसी ने हमारी बैंड बजाई और हमें रूल इतने तगड़े दिए कि हम जो है ना सिर्फ एक्टिव प्लेयर 4 ही उठा सकते हैं, और उसके अलावा अगर हम कुछ कुछ उठाना है तो या तो इनएक्टिव प्लेयर उठाओ जो 2 साल
से खेले ही नहीं है अपनी कंट्री के लिए, और या तो वो रिटायर्ड प्लेयर उठाओ। तो भाई जब से आपको ऑप्शन ही चार का दिया है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो बड़े बड़े प्लेयर। बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी पाबंदियां लगाने के बावजूद भी नेपाल की फ्रेंचाइजेज जो है, कुछ फ्रेंचाइजेज इतना अच्छा दिमाग चला रही हैं और इतने अच्छे अच्छे प्लेयर लेके आ रही हैं। इवन दो दे नो कि अगर हम क्या नाम है, हमें सिर्फ चार प्लेयर अलाउड है, बट स्टिल उन्होंने जो रिटायर्ड प्लेयर के ऑप्शन पकड़े हैं, जो इनएक्टिव प्लेयर के भी ऑप्शन पकड़े हैं, वो ऐसे पकड़े हैं कि जिनकी वर्थ है और जिनका नाम है और जिनको देखने में मजा आएगा। उन्होंने ये नहीं किया कि वो बिल्कुल इमरान ताहिर तुम आ जाओ, वो बिल्कुल ही खत्म प्लेयर इधर उधर के, मधुशान, दिलशान, दिलशान वो वाला दिलशान नहीं, एक और चल रहा है, तो इधर उधर के प्लेयर बिल्कुल ही जीरो लेवल के, उनको ले लेके और ये शुरू कर दें। इन्होंने ऐसा नहीं किया, वेरी गुड साइन। और आई थिंक आगे आईसीसी को अगले सीजन में जाके ये रूल वूल थोड़ा सा ना हार्श रूल्स हैं थोड़े से कम करने पड़ेंगे, ताकि फिर एनपीएल में आपको और बड़े बड़े प्लेयर नजर आए। तो खैर ये थी वीडियो, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धवन की साइनिंग हो चुकी है, करनाली सारे नंबर ले गया भाई, करनाली ने तो तबाही फेर दी है, करनाली तो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। और मैंने पहले ही बोला था, जिसको याद होगा, जब वीडियो शुरू की, जब एनपीएल शुरू भी नहीं हुआ था, मतलब शुरू तो अभी भी नहीं हुआ, जब पहला आया था कोई शोशा एनपीएल का, और जब सारी टीमें बिक गई थी और मैंने बात की थी, तो मैंने यही बोला था करनाली आपको देख सस्ती टीम रही है, बट काम बड़े कर जाएगी। खैर इट्स टू अर्ली, बट आई थिंक करनाली नंबर लेके जा रहा है बहुत सारी चीजों के अंदर, सिलेक्शन बड़ी अच्छी कर रहा है। खैर बाकी टीमों का पूरा स्क्वाड आ जाए तो फिर एनालिसिस करेंगे। धवन साहब एनपीएल के अंदर आ चुके हैं, लव यू मैन, आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम फ्यू, क्या बोले, अगर और कुछ नाम चाह रहा हूं मैं बड़े बड़े आ जाए तो मजा आएगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब।